चलो वॉइस आ रहा है ना मेरा सबको? हाँ चलो आओ, अप्रैल 2019 का पेपर निकालो फटाफट। अप्रैल 2019 का पेपर निकालिए, ठीक है? जिसको कोई भी तकलीफ होगा वो चैट बॉक्स पे डालेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करेंगे। एग्जाम कब है तुम लोग का? जैसे हम लोग का वो देख लेना, एक्स असाइनमेंट का जो क्लास है वो 3 करा दिया, एक फोर्थ वाला बाकी है, तो वो कराएगा और 9 टर्म का पेपर कराएगा, और फिर उसके बाद में तुम लोग को लगता है जो भी डाउट्स वगैरह है तो वो करा देगा, ठीक है? चलो सो क्वेश्चन 10 से चालू करते हैं। हाँ, अप्रैल 2019 पहले है, ठीक है? बहुत इजी स्कोर, बहुत इजी पेपर है ये। अ प्रोफेशनल बॉडी विशेस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टूडेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टू पार्ट एग्जामिनेशन। इट रिकॉर्ड्स द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय अ सैंपल ऑफ 12 स्टूडेंट्स। तो मेरा एन कितना है? एन इज 12 ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम एंड द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द सेम स्टूडेंट्स ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एग्जाम। द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। हम लोग को, हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन है, नहीं मिला? स्टूडेंट दे दिया 12 और फर्स्ट पार्ट एग्जाम स्कोर एंड सेकेंड पार्ट एग्जाम स्कोर दे दिया है, बाकी सारा हम लोग को वो दे दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कभी भी तुम लोग को कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले हम लोग को 3 चीज निकालना बहुत जरूरी है। क्या क्या बताओ? एस एक्स एक्स निकालेंगे, एस एक्स वाई निकालेंगे, एस वाई वाई निकालेंगे। तो ये क्या क्या होगा बताओ? एस एक्स एक्स क्या होता है बताओ? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन, और कुछ एन एक्स बार स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं? एक्स बार क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई बाय एन। हाँ तो बताओ क्या लिख सकते हैं तुम्हारा यहां पर? समेशन एक्स का स्क्वायर बाय एन, ठीक है? उसके बाद में एस एक्स वाई का बताना। एस एक्स वाई तो हम लोग को दिया हुआ ही है, तो दिस इज समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। लास्ट डे एक सम किए थे हम लोग, कैंडल पे किए थे और स्पेयरमैन पे किए थे, बोला वीडियो देख लेना, 3 ही सम कराया था उसमें, बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया हुआ है। एक्चुअली एक्स असाइनमेंट से पूरा चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाता है, एंड इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे में जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है वो सारा कर लेना, ठीक है? एंड कोई भी डाउट्स है तो फोरम्स पे पोस्ट करो, एंड जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट का जो क्लास है वो लोग फोरम्स पे ही सारा उसका सॉल्विंग करके पूरा डिटेल वे में करा देंगे, ठीक है? सो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एस वाई वाई का क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग का ये 3 चीज आ जाएगा, कितना कितना आएगा? ये आ रहा है 1922, फिर आएगा 1334, फिर आएगा एस वाई वाई, लोग निकाला नहीं है, हाँ दूसरा पार्ट में निकाला है बट ठीक है। एस वाई वाई हम लोग का आएगा 1154, ठीक है? अब इसके बाद में हम लोग को बीटा हैट निकालना है, सो बीटा हैट इज एस एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स। एल्फा हैट कितना आएगा मेरा? वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार। सो फिटेड में क्या आएगा? वाई हैट, वाई हैट इज फिटेड, वाई इज एक्चुअल एंड वाई बार इज द मीन, ठीक है? व्हाट इज वाई बार? व्हाट इज वाई बार? व्हाट इज एक्स बार? व्हाट इज वाई बार?
वाई बार इज अ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, बोलो. वाई बार इज अ लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है. एंड एक्स बार इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. सो वाई बार इज व्हाट? अल्फा हैट माइनस बीटा हैट एक्स. वाई बार होगा, सॉरी सॉरी दिस इज सॉरी अल्फा हैट. हाँ ठीक है, कि निकालो यहां से अल्फा, सॉरी बीटा हैट पहले कितना आ रहा है और अल्फा हैट पहले कितना आ रहा है पहले ये बताओ. 0.69407 अल्फा हैट मेरा आएगा वाई बार माइनस बीटा हैट एक्स बार विच इज 24.109. व्हाट इज अल्फा हैट? अल्फा हैट मतलब क्या होता है? वो वाई एक्सिस को कहां पर काट रहा है, चालू कहां से होगा. हाँ, सो वाई हैट इज इक्वल टू 24.109 प्लस 0.69407 एक्स. फिर बोलता है अज्यूमिंग द फुल नॉर्मल मॉडल कैलकुलेट द एस्टिमेट फॉर एरर वेरियंस, और फिर उसके लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है. सो एरर वेरियंस का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा हैट स्क्वायर, है ना. सिग्मा हैट स्क्वायर क्या है मेरा? 1 बाय एन माइनस टू एस वाई वाई माइनस क्या होगा बताओ? एस स्क्वायर एक्स वाई बाय एस एक्स एक्स, ये निकल जाएगा. अब एन माइनस टू सिग्मा हैट स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोस काई स्क्वायर. सो 10 सिग्मा हैट स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोस काई स्क्वायर 10. क्लियर है? हाँ, ये चीज क्लियर है तुम लोग को? अब सॉल्व करो इसको. 90% बोला है तो काई स्क्वायर में 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो, काई स्क्वायर में 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो, और लोअर हम लोग देखेंगे 95% और अपर हम लोग देखेंगे 5%, ठीक है ना. और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सिग्मा एट स्क्वायर का वैल्यू ऊपर से हम लोग निकाल चुके ऑलरेडी. फाइनल में कुछ ऐसा आना चाहिए, सिग्मा हैट स्क्वायर तुम्हारा आएगा 22.811124. सो 10 इंटू 22.811124 डिवाइडेड बाय 18.31. कॉमा 10 इंटू 22.811124. ये तुम लोग हमेशा याद रखना कि वो इन्वर्स हो जाता है, माने जो 5% वाला है वो लोअर में आएगा एंड जो 95% वाला है वो उसमें जाएगा. टेस्ट वेदर द डेटा आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. तो ये क्या चीज का टेस्ट हो गया? ये क्या चीज का टेस्ट हो गया बताइए? एच नॉट क्या बनेगा मेरा? बीटा इक्वल टू जीरो, बीटा ग्रेटर देन जीरो. सो हम लोग क्या बनाएंगे? बीटा हैट माइनस बीटा बाय रूट अंडर सिग्मा हैट स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स फॉलोस टी 10. यही तो होगा? सब कुछ पता है इसमें मेरे को? कितना परसेंट बोला है? कुछ नहीं बोला है तो 95 एंड ग्रेटर है तो एक तरफ का काटेंगे, एक तरफ टी 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5%. तुमको पता है एग्जाम में बच्चा लोग फेल क्यों होता है सीएस वन में? वो लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करने के लिए जाता है. हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं, बट पहले तुमको फोकस करना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्डिनरी. 80% ऑफ द पेपर तीन चार चीज से ही आता है,
एक तुम्हारा हो गया एक्स असाइनमेंट, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया वाई इंस्टीट्यूट का मैट जो है पूरा, पेपर बी का इंस्टीट्यूट का जो मैट है, पेपर ए का उसका पीछे का एग्जाम स्टाइल एंड 2019 से लेके 23 का पेपर, ये पहले अच्छे से करो। उसके बाद तुम लोग फोकस किस पे कर सकता है, मैट रीडिंग पे कर सकता है, फिर जैसे तुम्हारा 2014 से 18 का पेपर्स पे कर सकता है, वैसे तुम लोग किए हैं 15 एक साल तक का हम लोग कर लिए मोटा मोटी, बट ये जो चीज है ना भाई इसको मत भूलना। मैंने अगर तुम इसको छोड़ के पहले अगर तुम 2006 से पेपर सॉल्व करने लग गया तो बेवकूफी होगा बहुत बड़ा, बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया क्वेश्चन में। अब जैसे सीएस वन इज अ स्टैट्स बेस्ड पेपर, 65% ऑफ द पेपर इज मैथमेटिकल, मैंने नंबर्स आएगा, बट 35% ऑफ द पेपर इज कमेंटिंग। एज वी मूव फ्रॉम 19 to 23 यू विल सी द ट्रेंड कि भाई 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 8 नंबर ही उसमें तुमको मैथमेटिकल मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको डाल दो तो ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है कैलकुलेटर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन, मतलब क्या मीन रेस्पॉन्स, मीन रेस्पॉन्स के लिए बोल रहा है करेस्पॉन्डिंग टू एन इंडिविजुअल फर्स्ट पार्ट एग्जाम स्कोर ऑफ 57, ठीक है। तुम लोग समझा इसमें, देखो तुम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है, दो टाइप का चीज होता है, एक होता है मीन रेस्पॉन्स और एक होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्स। क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला है, बोलते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालिए फॉर द मीन, व्हाट इज रेस्पॉन्स, व्हाट इज रेस्पॉन्स वाई, मीन रेस्पॉन्स मतलब क्या मीन ऑफ वाई, तो मीन सेकेंड पार्ट एग्जाम स्कोर, और यहां पर वाई क्या है, सेकेंड पार्ट एग्जाम स्कोर इज वाई, तो कंफ्यूज मत हो ना। जैसे देखो इसमें कितना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, बोलता है मीन सेकेंड पार्ट एग्जाम स्कोर मतलब मीन वाई, मतलब मीन ऑफ द रेस्पॉन्स वेरिएबल के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, तो फर्क है ना दोनों में। आप वेरियंस जब बनाएंगे इसका तो टेबल बुक में जो दिया हुआ वो यूज करेंगे, 1/n प्लस एक्स जीरो माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एस एक्स एक्स, ठीक है। कोई भी टाइप का चीटिंग एक्टिविटी में इंडल्ज मत होना, मैं सबको बोल रहा हूं, ठीक है। एक बार पकड़ाया तो 2 साल के लिए बैन, करियर खत्म। अब जैसे हम लोग को यह भी निकालना पड़ेगा प्रेडिक्टेड वैल्यू, अरे मतलब वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल अपने को वैल्यू दे दिया है ना 24.109 प्लस 0.69 वो जो पूरा है इंटू 57, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ वाई 63.67116। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, जितना बार क्वेश्चन पढ़ेगा ना उतना तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है क्वेश्चन में। अब एक फॉर्मेट तो याद हो गया है, ये जो है 63 point something प्लस माइनस, यहां से जो आएगा इसका पूरे का रूट इंटू, ये क्या फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा बताइए, ये क्या फॉलो करता है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्स और मीन रेस्पॉन्स क्या फॉलो करता है, देखिए बताओ कॉपी में क्या फॉलो करेगा फटाफट, 95% अपने को बोला है ना, 95% अपने को बोला है, टी फॉलो करेगा, ठीक है, T10 फॉलो करेगा, ये चेक कर लो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स और मीन रेस्पॉन्स चेक करो कॉपी में। वही मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीज करने मत जाना, ठीक है, तो जो नॉर्मल चीज है पहले उसको कंप्लीट करो। T10 फॉलो करेगा ये, सो 2.5% वैल्यू ऑफ टी विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10, 2.5% वैल्यू, 2.5% वैल्यू ऑफ टी विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 10,
टी टेन फॉलो करेगा ये वाला, एकदम क्लियरली लिख दिया पर्णिका, बाय कंसीडरिंग द स्लोप पैरामीटर, तो बीटा को लेके ही करना है। एक क्वेरी आया है, वो बोल रही है कि हम लोग नो कोरिलेशन का भी तो टेस्ट कर सकते थे, बट बोला है ना बाय कंसीडरिंग द स्लोप पैरामीटर, तो बीटा टेस्ट करेंगे। कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका टोन अलग होगा ना। यहां पर बोला डेटा इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, उसमें ऐसे बोलेगा चेक वेदर कोरिलेशन इज जीरो और नॉट, ऐसा कुछ बोलता है। ठीक है, टी टेन फॉलो कर रही है, तो इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा 63.67116 प्लस माइनस 2.228 इंटू रूट अंडर 3.610। टेस्ट वेदर दीज डेटा कुड कम फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, देखो ऐसा बोलता है। अब यहां पर हम लोग वो लगाएंगे फिशर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, जेड आर फॉलोज वॉट बताइए, जेड आर क्या फॉलो करता है, जेड रो कॉमा 1/ एन माइनस 3 है कि 2 है, चेक करो फटाफट, एन माइनस 2 है कि 3, फटाफट टेबल में चेक करो, चेक कर फटाफट, एन माइनस 2 है कि 3, एन माइनस 3 होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जेड आर माइनस जेड रो बाय रूट अंडर 1/ एन माइनस 3 विल फॉलो नॉर्मल 0.1। क्लियर है? अब सबसे पहले तो तुम, हम लोग को टेस्टिंग किस चीज के लिए करना है, एच नॉट जो मेरा है रो इज इक्वल टू 0.75 वर्सेस एच वन जो मेरा है रो नॉट इक्वल टू 0.75। ठीक है, तो जेड रो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ एल एन, हाँ उससे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 0.75 बाय, ठीक है, और एक हम लोग को निकालना पड़ेगा आर का वैल्यू। सो आर का जो वैल्यू अपने कैसे निकालेंगे, 1334 बाय रूट अंडर 1922 इंटू 1154। तो जेड आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ एल एन 1 प्लस 0.89573 बाय 1 माइनस 0.89573। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट दी प्रपोर्शन ऑफ वेरिएशन विच इज आर स्क्वायर विच इज स्मॉल आर का स्क्वायर, याद आ रहा है, यही तो था ना। फिर बोला कमेंट ऑन द फिट ऑफ द मॉडल, सो 80% आ रहा है स्मॉल आर स्क्वायर करने से, फिर बोलता है 80% वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल विच इंडिकेट्स दैट द फिट इज वेरी गुड, सो समथिंग ग्रेटर देन 80% इज गुड।
क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना है, इसके बाद में ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। कर लो। ये वाला सम सबको क्लियर है? चलो बाकी अब घर पे करना। आगे बढ़े भाई, ये बात याद रखना, 180 मिनट में 100 नंबर का पेपर करना है। मतलब 15 मिनट 16 मिनट में 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनाया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर का है, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी ये क्वेश्चन तुम लोग का 25 मिनट में बन जाना चाहिए। 9 नंबर जो भी करने वाले हैं, 25 मिनट में इसको बनाना विल बी अ चैलेंज, बट करना पड़ेगा। और करेंगे कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, आओ। कंसिडर अ सैंपल ऑफ 1000 मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो मेरा एन कितना दिया हुआ है? 1000। वी अज्यूम दैट द एनुअल टोटल क्लेम अमाउंट पर पॉलिसी आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब IID है, ठीक है। We denote by X the number of policies with a total amount of over 5000 claimed in a calendar year and assume that X has the binomial distribution. So X क्या follow करता है? Binomial क्या? 1000 कॉमा P with expectation of X. So expectation of X मेरे को क्या दिया हुआ है? 1000 P. तो देखो ध्यान से सुनो क्या बोलता है। वी अज्यूम दैट द एनुअल टोटल क्लेम अमाउंट्स पर पॉलिसी आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्स द नंबर ऑफ पॉलिसीज विद अ टोटल अमाउंट ऑफ ओवर 5000 क्लेम्ड इन अ ईयर। माने जितना भी पॉलिसीज में टोटल अमाउंट 5000 से ज्यादा है वो है एक्स। एंड अज्यूम दैट एक्स हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। An analyst wishes to estimate the unknown proportion P of claims with amount greater than 5000. Derive the maximum likelihood estimator for P. ठीक है, फिर बोलते हैं now suppose that the analyst has some prior knowledge about P. फिर बोलते हैं derive the density of the Bayesian posterior distribution of P. Step by step जा रहा है, पहले likelihood बनवाया और binomial के केस में एक बार को एक लाइकलीहुड मानते हैं। याद आ रहा है ना तुम लोग को? एक बार को एक लाइकलीहुड मानेंगे बिकॉज एक बाइनोमियल में अब जैसे 1000 कॉमा पी है तो देर आर 1000 ट्रायल्स एंड ईच ट्रायल इज अ बर्नौली। क्लियर? स्टेट द टाइप ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तुम समझ रहे हैं? पूरा चेक होगा तुम्हारा, हर एक एक स्टेप में चेक होगा। ठीक है, सो फिर बोलते हैं स्टेट द टाइप ऑफ द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग बता देंगे। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर एंड द पोस्टीरियर। समझ में आ रहा है? मैंने समझ में आ रहा है? पूरा टोन सेट हो जाएगा तुम लोग का। टोन सेट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पे टाइम देखो, 25 मिनट में क्वेश्चन भी पढ़ना है,
उसको टाइप भी करना है, संग संग अंडरस्टैंडिंग भी रखना है, तो लैपटॉप छोड़ के तो कोई उपाय नहीं अपने पास, और अभी से लैपटॉप पे तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एंड 80-90 मार्क्स का मैंने जो बोला उसको तुम अच्छे से फॉलो करना। तुम लोग देखना, तुम लोग को बहुत, देखो ऐसा नहीं होता कि सेम फिगर्स वाला आएगा, बट कॉन्सेप्चुअली तुम लोग इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर तुम लोग कुछ भी दे तुम लोग बना पाएगा। ठीक है, चलो पहला चार पार्ट इसका करते हैं, हम लोग कर चुके हैं क्लास में बट दोबारा से इसको करेंगे। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड के मैंने बात किया है, ठीक है, सो इट इज एलपी, सो ये मेरा क्या आएगा बताइए, एलपी मेरा क्या आएगा बताइए, सो दिस इज एनसीएक्स पी टू द पावर एक्स 1 - p to the power n - x। अब लॉग ले लो, सो एल एन एल पी, सो दिस इज एल एन एन सी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स एल एन पी प्लस एन माइनस एक्स एल एन 1 - p। फिर हम लोग को निकालना है डी डी पी ऑफ स्मॉल एल, सो विच इज एक्स बाय पी माइनस एन माइनस एक्स बाय 1 - p। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका जो पी हैट आएगा वो आएगा एक्स बाय एन। फिर इसका सेकेंड ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है, एन मेरा कितना है बताइए, सो मेरा पी हेड क्या आ जाएगा, एक्स बाय 1000, द प्रायर पीडीएफ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सो एफपी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट बताइए, पी टू द पावर अल्फा माइनस 1, 1 - p टू द पावर बीटा माइनस 1। और अब मेरे को पता है एलपी जो है, लाइक्लीहुड जो है, वो किसको प्रोपोर्शनल है, पी टू द पावर एक्स 1 - p टू द पावर एन माइनस एक्स। अब हम लोग निकालेंगे पोस्टीरियर, एफ पी गिवेन सैंपल, सो दिस इज पी टू द पावर अल्फा माइनस 1, 1 - p टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू पी टू द पावर एक्स 1 - p टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है एला, बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो फाइनली क्या आ जाएगा हम लोग का, प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, पी टू द पावर एक्स प्लस अल्फा माइनस 1, 1 - p टू द पावर एन माइनस एक्स प्लस बीटा माइनस 1। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा कॉमा एन माइनस एक्स प्लस बीटा, सिंस बोथ प्रायर एंड पोस्टीरियर हैव बीटा वी हैव कॉन्जुगेट प्रायर। ठीक है, एस्टिमेट पी यूजिंग द बेसियन एस्टिमेटर एंड द क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में क्या आता है, मीन बेस्ड ऑन द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम दैट सारा वैल्यूज हमको दे दिया है। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक में क्या आएगा, मीन आएगा, सो मीन में क्या आएगा बताइए, एक्स प्लस अल्फा आएगा होल डिवाइड बाय बताइए क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा प्लस एन माइनस एक्स प्लस, यही आएगा क्या, सो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एक्स प्लस अल्फा होल डिवाइडेड बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा। एक्स मेरा कितना है बताइए,
50 अल्फा 2 बीटा 2 एंड एन 1000, सो पी हैट निकाल लीजिए. द बेजियन एस्टिमेट इज स्लाइटली लार्जर देन दी एमएलई, तो इससे जो मेरा आएगा, अच्छा पहले हम लोग को एस्टिमेट निकालने बोला था. अज्यूम दैट 50 पॉलिसीज आउट ऑफ 1000 पॉलिसीज इन एन एक्चुअल सैंपल हैव अ टोटल क्लेम अमाउंट ऑफ ओवर 5000, सो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 50/1000. तो ये वाला जो आ रहा है ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है. दिस इज बिकॉज इट ऑल्सो टेक्स अकाउंट ऑफ द प्रायर विच हैज अ लार्जर मीन. बोलते हैं प्रायर का भी अकाउंट फॉर करता है, ये वाला जो निकाले हैं इसमें प्रायर का भी अकाउंट फॉर हुआ है. ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग को बोलता है स्टेट द बेजियन एस्टिमेटर फ्रॉम पार्ट 6 इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिबिलिटी इंटरवल. तो क्रेडिबिलिटी इंटरवल कैसे करेंगे बताइए, एक्सप्रेस करना पड़ेगा राइट. पहले तो अलग अलग कर दो, सो एक्स बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा. ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एन बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जेड इंटू एक्स बाय एन प्लस वन माइनस जेड इंटू अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा. तो मेरा जेड क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा मेरा, n बाय n प्लस अल्फा प्लस बीटा. अब x 50 है, अल्फा 2 है, बीटा 2 है और n 1000 है, तो वहां से सॉल्व कर लो. जैसे ये लोग एक स्टेप में दिखाया है थोड़ा, तो हम लोग भी दिखा सकते हैं. जैसे तो 0.0518 इज z इंटू 0.05 प्लस वन माइनस z इंटू 0.5. ठीक है, तो Z जो आएगा वो क्या आएगा, 1000 बाय 1000 प्लस 2 प्लस 2. क्लियर है लसम, बोलो. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए.
आओ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड मेरियंस म्यू हैज द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन. सो एफ वाई मेरे को दे दिया है, एफ वाई मेरे को दिया है म्यू टू द पावर वाई ई टू द पावर माइनस म्यू बाय वाई फैक्टोरियल. शो दैट दिस प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. वेरी सिंपल. वेरीफाई द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम पार्ट ए टूगेदर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, स्किप. इजी है तो कैसे करेंगे ये बताओ. इजी तो बहुत कुछ है जीवन में. चालू करो, एक वर्ड पे टाइप करो, बार बार एक ही चीज, कॉमन कॉमन चीज को बार बार करेगा तभी होगा. सो एफ वाई को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, क्या बताओ. वाई एल एन वाई, वाई एल एन म्यू, वाई एल एन म्यू माइनस म्यू माइनस एल एन वाई फैक्टोरियल. अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो कैसे हो पाएगा, इसको एक बार एक्सप्रेस कर देते हैं. एक बार एक्सप्रेशन में डाल दो, वाई एल एन म्यू माइनस म्यू बाय वन माइनस एल एन वाई का फैक्टोरियल. अब यहां से निकालना चालू करो एक एक करके, तो क्या क्या निकलेगा. थीटा इज व्हाट, एल एन म्यू. बी थीटा इज व्हाट, बी थीटा इज व्हाट, बी थीटा इज म्यू विच इज व्हाट ई टू द पावर थीटा. वेरी गुड. फाइ इज व्हाट, वन. ए फाइ इज व्हाट, ए फाइ इज वन. एंड सी वाई फाइ विच इज द अदर पैरामीटर माइनस एल एन. यही तरह एक नंबर कट जाता. एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज व्हाट, हम लोग एमजीएफ से किए थे ना. एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज व्हाट, बी डैश थीटा सो विच इज ई टू द पावर थीटा विच इज म्यू. एंड वेरियंस ऑफ वाई इज व्हाट, ए फाई इंटू बी डबल डैश थीटा सो दिस इज वन इंटू ई टू द पावर थीटा विच इज म्यू. इसके बाद में अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर क्या बोलता है. अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर इज इन्वेस्टिगेटिंग द नेशनल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बियर. द रिसर्चर बिलीव्स दैट द नंबर ऑफ बियर्स डिटेक्टेड ओवर वन ईयर एट ईच ऑफ आई 1 to 30 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री मे फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू आई. She also believes that mu i depends on the density of trees ti at the observation point i. The tree density t is measured in trees per square kilometer. The researcher specifies the following linear predictor. The linear predictor हम लोग को दे दिया है, काम का चीज निकालो. ठीक है, which is alpha plus beta TI. The researcher then runs a computer model that fits a GLM using the Poisson canonical link function, bol diya hai, to bear count and tree density data collected from a 30 observation points. Alpha, beta, ye sab hum log ko de diya hai. Theek hai? Explain using the model output shown above whether the variable tree density is significant or not. Estimate using the fitted model the expected number of bears that would be predicted over a 1 year period with a in a woodland area with tree density of 12. कैसे करेंगे बताओ. तो बियर और ट्री डेंसिटी के बारे में बोल रहा है, राइट. सो कैसे होगा बताओ. बीटा हैट क्या फॉलो करेगा. अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल. ठीक है, टू साइडेड टेस्ट है. सो बेसिकली इफ बीटा क्या था बताओ. बीटा हेड बाय
रूट सी आर एल बी मॉड ऑफ दिस इज द ग्रेटर देन 1.96। हाँ सीधा वाला वो देगा, ठीक है। सो बीटा हैट शुड बी, सॉरी, शुड बी ग्रेटर देन व्हाट बताओ, 1.96। पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। सो विच शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 2 × यहां पर भी अप्रोक्सीमेटली यूज कर देना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट। तो ये तुम लोग को निकालना पड़ेगा ना, दिया हुआ है 2 × 0.,  एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा टी आई इज व्हाट, न्यू म्यू आई क्या है, न्यू म्यू आई क्या है बताओ, एल एन म्यू आई होगा ना, एल एन म्यू आई होगा, पॉइजन का लिंक फंक्शन बोल दिया है। So, ln mu i will be what? Alpha plus beta ti. So, alpha beta दोनों ही अपने को दिया हुआ है, अपने यहां पर निकाले हैं ना, ये रहा, ये तो रहा। So, theta क्या हो जाएगा, ln mu, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा टी आई कितना कितना है बताओ, और टी का भी वैल्यू मेरे को दे दिया है, टी इज 12। सो यहां से अपने कर सकते हैं, ये वाला जो मेरा आएगा इट विल कम 3.54376। तो म्यू आई क्या आएगा बताइए, म्यू आई इज ई टू द पावर 3.54376, तो ये आएगा 34.6। चेक करो इसको, ठीक है, बोलो ये एल एन म्यू आई क्यों हुआ, हमको समझाओ एल एन म्यू आई क्यों हुआ, वहां पर तो ईटा म्यू आई दिया हुआ ना, तो एल एन म्यू आई क्यों हुआ, हाँ तो क्या है, हाँ तो लिंक फंक्शन क्या है, एल एन म्यू आई किसका है, हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कंसिडर अ रैंडम सैंपल एक्स वन डॉट 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 एक्स नाइन ऑफ साइज 9 फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एक्सपेक्टेशन 3 एंड वेरियंस 4।
दैट इज एक्स आई फॉलोज नॉर्मल 3,4. सो एक्स आई क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 3,4 एंड अ सैंपल. सो एक्स क्या है? 1 से लेके 9. सैंपल वाई कहां से है? 1 से लेके 18 तक है. और ये क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 4,10. अज्यूम दैट द टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट. लेट एक्स वाई एंड वाई बट डिनोट द मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स एंड एस स्क्वायर एक्स एंड एस स्क्वायर वाई बी द सैंपल वेरियंसेस. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट एक्स बार ग्रेटर देन 4. तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो सबसे पहले एक्स बार क्या फॉलो करेगा ये बताइए. अप्रोक्सीमेटली म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. अपने को क्या निकालने बोला है? प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन 4. सो प्रोबेबिलिटी जेड विल बी ग्रेटर देन वॉट? 4-3 बाय रूट अंडर, यही होगा ना? ठीक है. फिर इसके बाद में अपने को बोला है एक्स बार ग्रेटर देन वाई बार. तो वो कैसे करेंगे? एक्स बार ग्रेटर देन वाई बार बोला है. सबसे पहले ये निकालो वाई बार माइनस एक्स बार फॉलो क्या करेगा? नॉर्मल. मीन में तो माइनस होगा ना? मीन में तो माइनस होगा. सो 4-3 is 1, वाई बार क्या फॉलो करेगा बोलिए? 10/18 + 4/9. ठीक है. अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स बार ग्रेटर देन वाई बार. मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी वाई बार माइनस एक्स बार विल बी लेस देन 0. प्रोबेबिलिटी जेड विल बी लेस देन 0-1 बाय, ये भी 1 ही होगा एक्चुअली. क्योंकि पॉजिटिव रखना था इसीलिए. बट तुम वैसे भी कर सकते हो, एक ही बात है. नहीं, मेंशन तो करना ही पड़ेगा. इसके बाद एस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 4. सिंपल है, बहुत ही अलग क्वेश्चन. सो n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर फॉलोस काई स्क्वायर. ठीक है. अब एस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन एस स्क्वायर वाई ये कैसे करेंगे? इसके लिए निकालना पड़ेगा एस स्क्वायर एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर वाई बाय 10. सो दिस फॉलोज एफ n1-1 माने 8, बोलो. गुड. सो निकालना है अपने को प्रोबेबिलिटी. अभी पता है बाकी लोग यहां पर क्या मिस्टेक करेगा? वो लोग को लगेगा ये क्वेश्चन इजी है, इसको चलो देख लेते हैं. और एग्जाम में वो देखता ही रहेगा, उससे सॉल्व नहीं होगा. देखने में और सॉल्व करने में बहुत फर्क है. तुम लोग को यही नहीं समझ आएगा कौन कौन से स्टेप में मिस्टेक हो सकता है. इसको उल्टा करने में मिस्टेक कर देगा आधा लोग. एस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन एस स्क्वायर वाई. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एस स्क्वायर एक्स बाय एस स्क्वायर वाई ग्रेटर देन 1. ठीक है. सो अब इसको पूरा डाल दो. एस स्क्वायर एक्स बाय 4 एस स्क्वायर वाई बाय 10. नहीं सॉरी, कितना था? 10 ही था. 10 विल बी ग्रेटर देन 10/4 होगा. सो प्रोबेबिलिटी एफ 8,17 ग्रेटर देन 2.5. अब इसको लोग अप्रोक्सीमेट कर दिया है 2.548 से और बोलता है कि इसका आंसर होगा 5%. मैंने समझा ये लोग 5% का टेबल लुक में गया, 8,17 में झाका.
तो 8.17 में झांक के ये लोग को कितना मिला 2.548, तो बोलता है ये अप्रोक्सीमेटली 2.548 है, तो ये 5% होगा इसका आंसर। तो थोड़ा बहुत ये सब अप्रोक्सीमेशन हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इन पार्ट फोर इज ग्रेटर और लेस देन, तो ट्रेंड देखना पड़ेगा। तुम ट्रेंड देखो कि एक से जब ढाई में गए, ढाई से जब पांच में गए, पांच से जब दस में गए, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे और क्या। उसको देखो लोग कितना अच्छे से आंसर किया है कि 2.5 वाला ज्यादा है, 2.5 वाला ज्यादा है और अपने को तो ज्यादा चाहिए था, तो ना सॉरी ओ सॉरी ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक मिनट। तो ये लोग क्या बोलता है, अपने को क्या चाहिए था 2.5 और अपने पकड़े क्या, अपने पकड़े क्या 2.54, 8 पकड़ लिए ना, तो क्या बोलता है, बोलता है ये वाला जो प्रोबेबिलिटी होगा ये ज्यादा होगा, जो अपने को चाहिए था वो ज्यादा है, जो किए हैं वो कम है। अरे ये देखो ना 3, 4 ज्यादा क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैसे, ऐसे जाएंगे तो कम होगा ना, जैसे 100 से नहीं, गलत बोल रही हो, वो अलग है, वो तो 100% 0% वो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं अपने को, अपने को चाहिए था क्या 2.5, अपने पकड़े क्या 2.548, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी अपने पकड़े, तो ये 5 है, अपने को चाहिए था ये वाला, तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। हाँ LS वैसे छोड़ो यार, एकदम सिंपल चीज समझाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा होता 2 होता तो 2 का थोड़ा और ज्यादा होता, 1 होता तो थोड़ा और ज्यादा होता, ठीक है। यही 10 होता तो एकदम कम होता, चलो आओ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। कल क्लास नहीं, ठीक है, वेडनेसडे को करेंगे नेक्स्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, लेट एक्स एंड वाई बी टू कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अपने को दे दिया, एफ एक्स वाई अपने को दे दिया है, एफ एक्स वाई अपने को क्या दे दिया है 8, 8 एक्स वाई अपने को दे दिया है 0x y1, डिटरमाइन द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो वेरिएबल निकालेंगे तो वेरिएबल लिमिट्स एक्स का क्या हो जाएगा 0 to y, 8xy, सॉरी अपने को निकालना है fx, तो अपने y में इंटीग्रेट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा x to 1, एक्सीलेंट 8xy dy, ठीक है। फिर अपने को निकालना है fy, सो x में करेंगे 0 to y, 8xy dx, वो इंडिपेंडेंट वाला कर लेना। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन है भाई, हंसो मत, मेरा तो हो गया है, एग्जाम तुम लोग का आने वाला है, बट डोंट वरी, तुम लोग रिलेटिव में पास हो जाओगे कंपेयर टू अदर पर्संस एंड क्या। नहीं, तुम लोग का टैलेंट भी है, जॉइंट बाय मार्जिनल, भाई देखो हम लोग तो सभी कुछ किए हैं ना, बताओ जॉइंट बाय मार्जिनल, ठीक है ये निकल जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज वॉट, एक्स इंटू कंडीशनल, तो कंडीशनल पहले निकालेंगे
पहले हम लोग कंडीशनल निकालेंगे एंड हम लोग यहां पर वेरिएबल लिमिट से यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज 0 टू y x इंटू एफ एक्स गिवेन y dx. ठीक है ना. इसके बाद का स्टेप ये, इससे क्या मिलेगा मेरे को, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवेन y इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y. ठीक है ना. और जब यहां पर मैं y का लिमिट्स लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 0 टू 1. कॉपी करना है तो कर लो फटाफट, पिक्चर आ जाएगा ग्रुप पे, ग्रुप पे नहीं सॉरी फोरम्स पे आ जाएगा. सेंट्रलाइज हो जाएगा ना सब चीज. हम लोग बहुत साल तो नहीं पहले हम लोग बनाए. हाँ ठीक है. और मतलब हम लोग पहले ट्राई किए, हम लोग पहले फोरम्स बनाए, वो घटिया बना, यूआई अच्छा नहीं था, उसको डिस्कार्ड कर दिए. वी फेस लॉसेस बट अगेन वी रीवैम्प, स्टार्ट से स्टार्ट किए, स्क्रैच से, नेवर गिव अप. समझा नहीं, मैं दोबारा से बोलो. हाँ वो तो कांस्टेंट आएगा. हाँ 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 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट बोला है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सो दैट इफ द रैंडम वेरिएबल बी हैज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देन बी माइनस एनपी approximately follows standard normal for large n using CLT. ठीक है. So अब जैसे x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn. ठीक है. ये सारे क्या फॉलो करेंगे, बर्नौली p डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मीन कितना है p, और इसका वेरिएंस कितना है पी वन माइनस पी. सो समेशन ऑफ एक्स आई क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल एन कॉमा पी. ठीक है. जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, म्यू हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, हाँ सिग्मा स्क्वायर हो गया. अब जैसे समेशन एक्स आई फॉलोज बाइनोमियल है ना, तो समेशन एक्स आई अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल भी फॉलो कर सकता है एनपी कॉमा एनपी क्यू. तो समेशन एक्स आई, एक मिनट एक मिनट, एक और चीज है, एक्साई जो है वो फॉलो कर रहा है बर्नौली पी. तो म्यू मेरा क्या है, पी. ठीक है ठीक है. अब एक चीज समझो, सीएलटी में ऐसे नहीं करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं दैट समेशन ऑफ एक्साई. अब ये बाइनोमियल तो फॉलो कर रहा है वो ठीक है, बट समेशन ऑफ एक्स नॉर्मल भी तो फॉलो कर सकता है एन इंटू म्यू. सो एन इंटू पी, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर इज व्हाट, पी वन माइनस पी. मैंने मान लो बाइनोमियल नहीं है एक बार के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं,
बिकॉज समेशन ऑफ बर्नौली है एंड बाइनोमियल भी यही है. तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एन पी बाय रूट अंडर एन सिग्मा स्क्वायर विच इज पी वन माइनस पी फॉलोज नॉर्मल. अब जैसे ये अगर नहीं किया हुआ ना तो ये एग्जाम में नहीं बना पाएगा, तुमको कहीं नहीं मिलेगा एक बार के लिए, तो खोजना पड़ेगा. और चार नंबर के लिए तुम 10 मिनट खोजने में वेस्ट कर देगा. ये किया हुआ तो ही एग्जाम में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये. अब जैसे हम लोग को डेटा दे दिया, टू प्लेयर्स हैव प्लेड लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट गेम्स इन अ सैंपल ऑफ 100, वन प्लेयर 157 गेम्स एंड द अदर प्लेयर हैज 143. फर्स्ट प्लेयर का हम लोग को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने बोल रहा है. सो इट्स वेरी सिंपल, पी हैट प्लस माइनस 1.96 इंटू रूट अंडर पी हैट 1 माइनस पी हैट बाय एन. यही है ना, बस को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा. माने ये तुम लोग का आंसर में दिखना चाहिए, ये वाला लाइन, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एन म्यू बाय रूट अंडर एन सिग्मा स्क्वायर. ये जिसका मैं दिखेगा वो ही उसको मिलेगा. दिस अप्रोक्सीमेटली फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल 0.1. ये मेन है इसमें. कॉलेज का एग्जाम का डेट्स आ गया क्या? नहीं, मेन अच्छा ठीक है. नहीं, फोरम में दिक्कत हो रहेगा कोई, मतलब फोरम एक्चुअली हम लोग नहीं बुकमार्क करके रखे हैं, हम तो बुकमार्क करके रखे हैं. और एक चीज जो है वो ये है कि हम लोग को जो तुम क्वेश्चन की, हम लोग का करीब करीब 100 व्हाट्सएप ग्रुप था, तो अब सब जीरो हो जाएगा, हटा देगा हम. क्यों? अरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप ग्रुप इज इशू. तो व्हाट्सएप ग्रुप अभी तो तुम देखो बस. थैंक यू, बाकी लोग को बताओ ये चीज. ठीक है, अभी हम लोग ग्लोबल जाएंगे, हम लोग चाइना जा रहे हैं, वहां से जॉब्स लेके आएंगे तुम लोग के लिए. अरे ऑब्वियसली, मतलब अभी मतलब यार मेरे को वीजा वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा, तो वही है. आई एम प्लानिंग टू गो, कॉन्फ्रेंस हो रहा है एक, तो सोच रहा हूँ उसमें जाके तीन चार चाइनीज को पकड़ के जॉब. ठीक है, कभी गए नहीं इतना दूर, कोरोना वायरस का भी थोड़ा डर लगता है. ठीक है, एलिस एंड बॉब, देखो चाइना बोलते ही एलिस एंड बॉब आ गया. एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम ऑफ डाइस, टू फेयर सिक्स साइडेड डाइस आर रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, सम ऑफ टू डाइस इक्वल्स 3, ये दो तरीके से हो सकता है, सम ऑफ टू डाइस इक्वल्स 7, ये 6 तरीके से हो सकता है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अ 1. At least one of the dice shows 1. PC, नहीं, एक मिनट, झगड़ा मत करो, एक मिनट. नहीं, दो नहीं हुआ, नहीं, रॉन्ग बोल रहे तुम लोग. At least one of the dice shows a 1
इज 1.1, 1.2, 1.6 तक. एक मिनट. तो ये हो गया मेरा 6. नेक्स्ट. ना, गलत, तू नहीं समझा. एक मिनट, अब ऐसे जाएंगे 1.1, 1.2, 1.6, अब यहां पर आएगा. ये होगा तो 11 होगा. कैलकुलेट पी ए गिवन सी. सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी बाय पी सी. देखा ये लोग कितना सियाना है, सब में ए गिवन सी, बी गिवन सी दिया. जिसका सी गलत हो गया उसका सब गलत होगा लाइन से. इतना इजी था. हाँ, जिसका पहला में गलत होगा वो कुछ भी करके 11 में 36 लिख के आए गए. ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? सम ऑफ टू डाइस, सम ऑफ टू डाइस इक्वल्स 3, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज 1. बोलो, सम ऑफ टू डाइस इक्वल्स 3, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अ 1. सो ये तुम्हारा दो तरीके से हो सकता है, 1.2 एंड 2.1. सो 2/36 विल बी द आंसर. ना सॉरी, 2/36 तो ऊपर वाले का आएगा. सो दिस इज 2/36 होल डिवाइड बाय 11 बाय हाँ मतलब वही 2/11. फिर उसके बाद में सम ऑफ टू डाइस इक्वल 7, 1.6 एंड 6.1. सो अगेन 2/36 यही होगा, सेम चीज होगा. फिर बोलता है डिटरमाइन वेदर ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट. ए एंड सी आर इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी इंडिपेंडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी इज व्हाट? हाँ, पी ए इंटू पी सी. अब दोनों चेक कर लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सिमिलरली हम लोग को बी एंड सी के लिए बोला है, चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. कॉन्वोल्यूशंस का वीडियो डाल चुके हैं, सब याद है ना तुम लोग को? कॉन्वोल्यूशंस बता रहे हैं हम, डाले हैं, करवाए हैं, क्या वीडियो है. मतलब कुछ टॉपिक्स जो मेरे को याद आ रहा है, कॉन्वोल्यूशंस हो गया, रैंडम नंबर सिमुलेशन हो गया, पॉइजन प्रोसेस हो गया, वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपोनेंशियल का मेमोरीलेस प्रॉपर्टी हो गया. ठीक है, एक्सपोनेंशियल का है, देखो वीडियो है, वेटिंग टाइम टी वन फॉलोज एक्सपोनेंशियल. बुकलेट छोड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये. तो ये वाला जो है मैं आज ही बता दूंगा, मैं आज ही इसलिए बोल रहा हूं, ये सब चीजें बस लिख के रखो, मैं आज ही बता दूंगा. उसके बाद में तुम्हारा प्रिडिक्शन इंटरवल्स हो गया, उसके बाद में फिशर का नया नया पॉइंट जो एड हुआ है तुम्हारा, उसमें कैंडल, स्पीयरमैन, फिशरमैन का टेस्ट एड हुआ है. ठीक है, इसका एक और जो तुम्हारा कोरिलेशन रिग्रेशन का पूरा जो टॉपिक चेंज हो गया है, मल्टीपल, यही सबसे क्वेश्चन आएगा. लास्ट का 3 टॉपिक, बुकलेट 5, 6, 7 50 नंबर फिक्स है, बुकलेट 4 20 नंबर फिक्स है, बाकी 30 नंबर आपस में झगड़ते रह गए लोग. और उसमें भी अभी डोमिनेंस जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है जॉइंट और कंडीशनल, बिकॉज एग्जाम के बाहर भी और एग्जाम में भी जॉइंट इज वेरी फेमस. तो जॉइंट से तो आएगा ही आएगा. ठीक है, जॉइंट से तो लोग देंगे ही देंगे. और उसमें भी मैं बता देता हूं, मतलब मेरे को अगर कोई बोले कि ऐसा 5 टॉपिक जो तुम छोड़ के नहीं जा सकते एकदम ही, तो उसमें रहेगा बेसिक प्रोबेबिलिटी. ठीक है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी रहेगा, और उसके बाद में जॉइंट, कंडीशनल और सीएलटी. देखो रिवाइज करने वाला चीज नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पॉइंट एस्टिमेशन ऐसा पूछ ही लेंगे. तो बेसिकली बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गया, देर इज जॉइंट, कंडीशनल, दो टॉपिक हो गया, थर्ड इज योर कॉन्फिडेंस, कोरिलेशन, बेजियन एंड जीएलएम. मैं ये 5 टॉपिक तो भाई आए गए. मैंने
बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, देखो सम ऑफ द टॉपिक्स आर इजी ना, तो बुकलेट वन अलग से नहीं है। मेरे टाइम पे मेरे को ये वाला जो टॉपिक्स है चैप्टर्स 5 to 10 बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज कॉन्फिडेंस हाइपोथेसिस और कोरिलेशन तक ही था, तो ये सब एकदम इजी था। अनोवा एक था, उतना मेरे को नहीं समझ में आता था, और ये सब जो था ना ये सब बहुत चैलेंजिंग लगता था। जो अभी हम लोग इतना इजीली कर लेते हैं, जैसे तुम्हारा वो लोग देता है काई स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, जो जनरेटिंग फंक्शन से जो करते हैं ना, गामा काई स्क्वायर, वो सब सब थोड़ा चैलेंजिंग था। बट मेरे टाइम पे लकीली इन इंडियन इंस्टीट्यूट आई गॉट मोर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सो आई वाज अ बिट शॉक्ड दैट वेदर आई एम इन द रॉन्ग एग्जाम हॉल और देर इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन सीएलटी प्रॉब्लम्स, बट नो वैसा नहीं था। एंड यू नो व्हेन आई गेव माय फर्स्ट एग्जाम आई वाज वेरी स्केयर्ड that I should give the second exam or not. There was a gap of 20 days, but I hardly studied because Calcutta meets all holiday time in the month of October. It was Durga Puja time, Diwali time, and I was very scared that I should give or not. My parents, they supported me, ki tumko exam dena chahiye. You have registered for the exam, so you give it. So I gave and I passed. Matlab, when I went to the exam hall, it was like, okay, preparation was decent, but बहुत लोग का यही होता है, दे डोंट गिव द एग्जाम, एंड उस समय बोलने वाले थे भैया है अभी भी, बट अभी नहीं बोलते उतना एग्जाम्स के लिए। आई रजिस्टर एंड आई स्किप फॉर द एग्जाम्स, बट उस समय ही टोल्ड एंड आई गेव एंड आई पास। दीदी भी मतलब बोलती है बहुत पढ़ाई को लेके, एंड अभी क्या है, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग, आई एम रजिस्टरिंग बट आई एम कीपिंग। अभी देखो जैसे मैं दिया मेरा हो गया, बट वो मेरे अंदर एक डर है कि मतलब मैं सबको बोलता तो हूं, बट मेरे अंदर वो चीज डर है कि जाऊंगा नहीं होगा, ये सबके अंदर होता है, बट एग्जाम दे देना चाहिए। ठीक है, तो यही है। अगेन आई एम रजिस्टरिंग फॉर फ्यू एग्जाम्स, होप सो आई सिट फॉर द एग्जाम्स, या यू विल गेट टू नो। ठीक है चलो आओ, अरे मतलब एक्चुअली छोड़ के भी बहुत कुछ है, तो देखो आओ। ये वाला हो गया, 4 हो गया ना, क्या कर रहे थे अभी हम लोग, यार डर तो लगता है यार, गला सबका सूखता है। तुमने ऐड नहीं देखा क्या बोला, ऐड नहीं देखा बोला, डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू का था कि थम्सअप का था, माउंटेन ड्यू का था। चलो, द नंबर ऑफ क्लेम्स ऑन अ सर्टेन टाइप ऑफ पॉलिसी फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लेम रेट लैम्डा पर ईयर फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, हो जाएगा आप 10 मिनट में, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ऑफ दिस टाइप। सो मेरा एन कितना है, 200, द टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग द लास्ट कैलेंडर ईयर वॉज 82, डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एनुअल क्लेम रेट। ये क्या है भाई, ये होगा ना, लैम्डा नहीं नहीं हाँ तुम गलत बोल रही हो, पी नहीं है ये। एक चीज समझो, हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा इज बेसिकली अराइवल का रेट, कि भाई लैम्डा मेरा 0.5 है, तो अगर मैं एक पॉलिसी बेचूंगा तो 0.5 क्लेम्स आएंगे, या फिर मान लो उसमें अगर सिंप्लीफाई करूं तो 10 पॉलिसी बेचूंगा तो 5 क्लेम आएंगे। सो बेसिकली लैम्डा जो मेरा होगा 82/200 प्लस माइनस, क्या होगा बताओ, एक लाइन में बताओ इसका आंसर, ऐसे नहीं, 82/200 प्लस माइनस रूट अंडर 82/200, ठीक है, इंटू 1.96। इसके बाद में ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, नहीं भाई तुम मेरा टर्म का पेपर देखी नहीं हो। तुम लोग तो 52 तो अच्छा ही तो है। नहीं पास मार्क्स 52 मतलब तो कितना इजी कर दिया ना, सब लोग 50s में ही तो लाता है मार्क्स। अरे 60 रहता तो ज्यादा डिफिकल्ट होता ना, अभी तो सिखाया तुम लोग को। ये 52, ये 60, ये 70। अच्छा डिफिकल्टी लेवल के लिए बोल रहे हैं क्या? अच्छा समझ गया समझ गया। ठीक है आओ, कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। कंसीडर एन एस्टिमेटर ऑफ अ पैरामीटर थीटा डिनोटेड एज थीटा हैट, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ द बायस ऑफ थीटा हैट, स्टेट द डेफिनेशन ऑफ मीन स्क्वायर एरर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एमएससी इन टर्म्स ऑफ वेरियंस एंड बायस का स्क्वायर। इसका पहला तो पार्ट तो ठीक है, बट जो थर्ड पार्ट है इसका उसको कैसे कर सकते देखो। एमएससी ऑफ थीटा हैट, सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का स्क्वायर। सो इसको अलग अलग कर दीजिए। सो दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या चीज लाया है भाई, काटने के लिए थोड़ी लाया है। ठीक है, इसके बाद में आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा का स्क्वायर। सो पहला वाला तो तुम्हारा हो गया वेरिएंस, ये वाला पार्ट तो हो गया वेरिएंस। ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो, क्यों जीरो? ये वाला सेकंड वाला पार्ट जीरो क्यों? एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा एट माइनस थीटा विल बी जीरो। और ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज बायस का स्क्वायर। देख लो इसको, सम ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज जीरो, राइट? सम ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम द मीन इज जीरो, उसीलिए मिडिल वाला पार्ट जीरो हो रहा है। MSC of theta hat is what? Expectation of theta hat minus theta ka square. ठीक है, अब इसको देख लीजिए।
और फिर इसके बाद पार्ट वन एक बार ट्राई कीजिए, इसके बाद पार्ट वन एक बार ट्राई करिए। इसके बाद पार्ट वन करिए इसका। अरे मतलब क्वेश्चन नंबर वन पेपर का पार्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन देखो। द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर स्पेंड इन अ सिंगल ट्रिप टू द सुपरमार्केट इज मॉडल्ड यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कस्टमर स्पेंड्स मोर देन 20। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 20 निकालना है। ई टू द पावर माइनस 20 लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट 1/15। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कस्टमर स्पेंड्स मोर देन 20 गिवन दैट इट इज नोन दैट शी स्पेंड्स मोर देन 15। प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 20 गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 15, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 20। क्लियर है? हाँ, अब देखो यही मैं तुम लोग को समझाने वाला था जो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी होता है। ये देखो, दिस इज ई टू द पावर माइनस 20 लैम्डा, ई टू द पावर माइनस 15 लैम्डा, सो दिस इज व्हाट ई टू द पावर माइनस 5 लैम्डा। ये होता है मेमोरी। हाँ मतलब ये पता नहीं है, बेसिकली ये आता है सिर्फ एक्सपोनेंशियल में ही आता है ये, इसको बोलते हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। हाँ वैसा कुछ नहीं है, हाँ वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ हाँ, मेमोरीलेस का मतलब क्या है? आप 15 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, ठीक है, सो आप नेट में कर सकते हो उसको। ठीक है, क्लियर है एला? इसको लोग देखो कैसे किया अच्छे से। दिस इज 1-F20, समझा? दिस इज 1-1 ई टू द पावर माइनस 20 इंटू 1/15, दैट्स इट। कल क्लास नहीं है, परसों को करवाऊंगा सितंबर का। ठीक है, ये मंथ में करवा दूंगा। ठीक है, और जो पहले ये सब करवा दूंगा और फिर लास्ट वाला जो एक क्लास रहेगा, दो क्लास, उसमें दो क्लास थियरी करवा दूंगा। दो क्लास लगेगा नहीं, एक क्लास में थियरी हो जाएगा। ठीक है, जो थियरी चैप्टर है ना, तो वो करवा दूंगा। हाँ वीडियो में देखो, मैं करवा दूंगा लाइव में, 3 घंटा करीब लगेगा, तो करवा दूंगा एक दिन में। ठीक है, थैंक यू।